गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पीएमआई के 6 लेक्चर पा चुके हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये होगा डिविजिबल बेस्ड प्रॉब्लम या मल्टीपल बेस्ड प्रॉब्लम। अब डिविजिबल यहाँ पे क्वेश्चन डिविजिबल लिखा रहे या मल्टीपल लिखा रहे, उससे आपको उस पर फोकस ही मत करना, उस पर फोकस ही मत करना। इसका क्या मतलब है क्या मतलब नहीं है उस पर फोकस मत करना, ठीक है कि नहीं। चाहे डिविजिबल लिखा रहे या मल्टीपल लिखा रहे, मेथड सेम टू सेम होगा। इसलिए इस वर्ड के ऊपर आपको काम नहीं करना, खाली देख लेना डिविजन लिखा हुआ है मल्टीपल लिखा हुआ है, जैसा बताऊं वैसा कर देना है। पता चल गया? तो हमारा एक क्वेश्चन है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन प्रूव दैट इतना इज डिविजिबल बाय इतना, फोर से। इसका मतलब अगर यहाँ जो भी नंबर लिखा रहे ना, फोर लिखा रहे, इसका मतलब अल्टीमेटली लास्ट में फोर कॉमन लाना है। अगर यहाँ पे लिखा रहे एक्स प्लस वाई, तो अल्टीमेटली लास्ट में एक्स प्लस वाई कॉमन लाना है। यहाँ पे लिखा रहेगा एट, तो हमें अल्टीमेटली लास्ट में 8 कॉमन लाना है। यहाँ लिखा रहेगा 64, तो लास्ट में 64 कॉमन लाना है। ये टारगेट लेकर के चलेंगे। तो चलो चालू करते हैं। पहले रूल वही रहेगा, पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा 7 पावर 1 माइनस 3 पावर 1 इक्वल्स टू 7 माइनस 3, ये कितना हो गया 4। और 4 तो क्या आता है, 4 के टेबल में आता ही है। तो विच इज डिविजिबल बाय, विच इज जो भी लिखा है डिविजिबल, तो डिविजिबल देना which is divisible by 4, जो पहला true हो गया। अब हमें क्या करना है, put करना है n के जगह पर k, n के जगह पर k put करना है। तो इसको वापस लिख दो 7 power k minus 3 power k। अब यहां से divisible based question और multiple based question ये काम करते हैं बराबर। अब ये चार से divisible कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 4m। अगर यहाँ पे लिखा गया 5, यहाँ लिखेंगे 5m, यहाँ लिखा गया 6, यहाँ लिखेंगे 6m, यहाँ लिखा 64, यहाँ लिखेंगे 64m, और यहाँ लिखा रहेगा x plus y, यहाँ लिखेंगे x plus ym। ये ध्यान देना, ठीक है। जिसका टेबल है उतना m लिख देना। वेयर वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिख देना आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ से इतना करने के बाद क्या करना, हमेशा एक बंदे को छोड़ करके इसको छोड़ के सबको उस तरफ भेज देना है। इसको छोड़ करके सारे बंदे को राइट साइड भेज देना है। सारे क्वेश्चन, ये सही कोई भी क्वेश्चन है, डिविजिबल और मल्टीपल वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसको छोड़ करके एक बंदे को छोड़ के सबको उस तरफ भेज देना है। तो 7 पावर k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4m प्लस 3 पावर k। और इसको जब ऐसा हो जाए तो उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। पीछे बताता हूँ, एक बंदे को छोड़कर सब उस तरह भेज देना है, उसके बाद जो बच जाएगा उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। अब करेंगे पुट करेंगे n इक्वल्स टू k प्लस 1। चलो अब यहाँ पे रखोगे k प्लस 1, रखोगे क्या हो गया 7 पावर में k प्लस 1 माइनस 3 पावर में k प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। अब एक काम करो, वहां एक याद करो, नाइन्थ क्लास याद करो, a पावर m प्लस n को हम लोग a पावर m डॉट a पावर n लिखा करते थे, नाइन्थ क्लास याद करो। तो ये हम कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं अगर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 पावर k डॉट 7 पावर 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 पावर k डॉट 3 पावर 1। अब मैं इसको यहाँ पे ये रख दिया, लिख सकते ये कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब मैं लिखूंगा क्या, इसको भी यहाँ लिख दिया मैंने, अब लिखूंगा गौर से देखूंगा टिक 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 टिक, इसका वैल्यू इधर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, इसका वैल्यू इधर लिखा हुआ है। तो लिखेंगे फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का यूज करेंगे और इसको हटा देते हैं। इसको हटा क्या लिख सकते हैं बच्चे, 4m प्लस 3 पावर k और बाहर में क्या 7 पावर 1 मतलब 7 माइनस, इसको लिख सकते 3 डॉट 3 पावर k लिख देता हूं मैं, बाद में कुछ यूज होगा तो करूंगा, नहीं यूज होगा तो नहीं करूंगा। ऐसा इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बोलो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करो 7 4 जा 28, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 कॉमन लेना, मल्टीप्लाई मत करना, फिर के बाद 4 × 7m लिख लो चलेगा, 4 × 7m लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमें बाद में 4 कॉमन लेना ही है, तो टाइम खराब क्यों करने का। और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता है क्या हो जाएगा, 7 × 21 नहीं होगा, ये होगा 7.3 पावर k। ये ध्यान देना, यहाँ गलती करते हैं बच्चे,
यहाँ ऐसे नहीं करना है। और ये होगा क्या लिखा हुआ है, 3.3 पावर k। अब मैं देखता हूं तो इसमें मेरे को 3 पावर k और इसमें देखता हूं 3 पावर k कॉमन दिख रहा है। इधर हो गया कितना, 4.7m प्लस 3 पावर k कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 7 माइनस 3। अब गौर से देखने वाली बात, फिर से लिखो 4.7m प्लस 3 पावर k और साथ में चिर गया तो 4। अब हमें क्या टारगेट था, कितना कॉमन देना था, 4, और दोनों में आ रहा है 4 कॉमन। यस, दोनों में देखो जरा से, ये इसमें भी 4 कॉमन आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, क्या बच गया, 7m प्लस 3 पावर k, 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया मतलब डिविजिबल हो गया, यानी विच इज ऑल्सो डिविजिबल, विच इज ऑल्सो डिविजिबल, जो भी वर्ड लिखा रहे डिविजिबल डिविजिबल लिख देना है, डिविजिबल बाय 4, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। आप लोग देख लो एक बार, अब मैं ऐसा क्वेश्चन एक और करके बताऊंगा आपको, तो उसमें आपको ज्यादा ज्यादा क्लियर होगा और समझ आपको आएगी, तो इसको बराबर देख लो। अब मैं इसको बच्चे रब कर देता हूँ और इसके तरह का क्वेश्चन एक सेलेक्ट करूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो फिर मैं इसको रब करता हूँ बच्चे, आप इसको पॉज करके देख लेना। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, डिविजिबल और मल्टीपल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डिविजिबल और मल्टीपल बेस्ड प्रॉब्लम्स इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या कॉन्सेप्ट था, डिविजिबल और मल्टीपल बेस्ड प्रॉब्लम इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सवाल था हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट का आधारित दूसरा सवाल ले रहा हूं मैं आपको, तो समझ में आएगा। इसमें अगर 100% समझ में नहीं आई है बातें तो टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन करके आपको बताता हूं मैं, ठीक है कि नहीं। तो यहां से हमारा ये थोड़ा मिट गया था, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं, प्रूव बाय PMI 41 पावर n माइनस 14 पावर n इज अ मल्टीपल, इज अ मल्टीपल ऑफ किसका, मल्टीपल ऑफ 27, 27 का मल्टीपल है, ऐसा प्रूफ करो। सेम प्रोसेस है, यहाँ मल्टीपल लिखा रहे हैं या डिविजिबल लिखा रहे हैं उसको देखना ही नहीं, प्रोसेस जो मैंने बताया सिर्फ वही फॉलो करना है। तो चलो रेडी होते हैं हम लोग, पहले पुट करेंगे n का वैल्यू 1, तो क्या होगा 41 पावर 1 माइनस 14 पावर 1, क्या होगा 41 माइनस 14, आई थिंक इसको माइनस करोगे ना बच्चे 27 ही आएगा, करके देखना आप 27 तो मल्टीपल है 27 का, तो विच इज अ मल्टीपल ऑफ किसका 27, ये तो पहला प्रूफ हो गया। अब n की जगह पे k रखने में कोई दिमाग लगाना नहीं है, तो 41 पावर में k माइनस 14 पावर में k इक्वल्स टू, मैंने बोला था जिसका टेबल लिखा है 27 लिखा है, 27 m लिखना है, 4 लिखा रहे तो 4m, ये मल्टीपल डिविजन को फोकस नहीं करना है, तो कितना लिखेंगे बोलो 27m, और लिख देंगे वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। अब मैंने बोला था यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको सिंगल एक बंदे को रख करके सबको उस तरफ भेज देना, ये एक बंदे को रख करके सबको उस तरफ भेज देना है, तो 41 पावर के इक्वल्स टू 27m और माइनस उधर जाकर क्या बन जाएगा 14 पावर के, और यहां से मैंने बोला था उसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लेना, तो यहां से इक्वेशन 1 लेट कर लिया, ठीक है। अब बारी किसकी है, n इक्वल्स टू के प्लस 1 की, तो पुट करेंगे n इक्वल्स टू के प्लस 1, तो क्या हो गया, ध्यान से इसमें रखो k की जगह k प्लस 1 रखो, तो 41 पावर में k प्लस 1 दिस इज k प्लस 1 माइनस 14 पावर में k प्लस 1, आपको मैंने तुरंत बताया था a पावर m प्लस n इक्वल टू नथिंग बट a पावर m डॉट a पावर n, ऐसा बताया मैंने, तो अप्लाई कर दो, ये होता ही है, मैं क्या बताऊंगा, ऐसा होता ही है। तो यहां से बच्चे यहां से खींचोगे तो क्या बनेगा, 41 पावर k डॉट 41 पावर 1 माइनस 14 पावर k
14 पावर के डॉट 14 पावर 1। अच्छा जी, इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है, टिक 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 टिक, इसका आंसर इधर रेडी किया हुआ रहता है हमेशा। इसका आंसर यहाँ रेडी किया हुआ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में बच्चे क्या करेंगे, इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो ध्यान से, इसको हटा करके जिसको मैंने जिगजैग किया है उसके जगह पर लिख सकते 27m प्लस 14 पावर के, इसको हटा लिख दिया और बाहर में 41 पावर 1 तो 41 ही होगा ना बच्चे, माइनस यहाँ लिख दो 14 पावर के डॉट 14। मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने बोला मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर तो कॉमन लेना ही 27, इससे बढ़िया मल्टीप्लाई ना करें। तो टिक 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 ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 27.41m, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा 14 पहले लिख लेता हूँ, चलो 41 और 14 पावर में के, और यहाँ से पहले से रेडी है 14, इसको 14 पहले लिख लेता हूँ, 14 और 14 पावर में, 14 पावर में के, इसको आगे पीछे लिख दिया 3 4 12, 3 4 12 या 4 3 12 सेम ही होता है, तो मैंने इसे लिख दिया। ऐसा क्यों लिख दिया? ताकि तुमको दिखे कि कॉमन ले सकते हैं आसानी से, इसलिए। ओके, यहां से तो 27 रेडी है हमारे पास, 27.41m। अब गौर से देखो जरा सा, यहाँ भी 14 पावर के, यहाँ भी 14 पावर के, दोनों है कॉमन, ये चीज कॉमन है ना, 14 पावर के, आ जा 14 पावर के बाहर आ जा भाई, कॉमन आ जा, तो 14 पावर के कॉमन आता है तो इधर क्या दिखता है 41, इधर दिखता है 41 माइनस, इधर क्या दिखता है 1414। अभी देखो 41 में 41 माइनस क्या था, कितना आया था 27, इसको 27 लिख दूं मैं, तो 27.41m प्लस 14 पावर के डॉट 27, इसके जगह पे 27। क्या कॉमन चाहिए हमें? 27 आ जा, कॉमन आ जा भैया, टिक 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 और टिक 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 टिक, आ गया ना कॉमन 27, आ जा भाई बाहर आ जा, 27 बाहर आ जा, क्या बच गया 41m प्लस 14 पावर के, और हमारा टारगेट था कि 27 कॉमन आ जाए और मस्त आ गया, तो विच इज ऑल्सो मल्टीपल वर्ड यूज किया है, मल्टीपल तुम भी यूज कर लो, विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 27। यहां से हमारा आंसर खत्म होता है। तो पिछला क्वेश्चन जैसा था सेम टू सेम, उसी तरह से मैंने इसको भी करके दिखाया आपको, और आपको समझ में भी आ रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है कि नहीं? तो चलिए जी, इसको मिटाता हूं मैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो मैं रब कर दो, ठीक है, ओके, ये रब करना चालू किया, तो इस तरह से आप देखोगे तो प्रोसेस सेम ही रहता है, सॉल्व करने का प्रोसेस सेम रहता है, डिविजिबल और मल्टीपल का क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होता है, और बाकी क्वेश्चंस को मैंने कर के आपको दिखाया है, खुद से बोर्ड पे किया हुआ है, एक दो क्वेश्चन अगर रहता है आप तो आपको खुद करना चाहिए, है कि नहीं? बोलो भाई, हाँ या ना तो बोलो, गुड, हाँ ही बोलोगे मुझे मालूम है, आप सारे अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो और काफी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, इसलिए आपके अच्छे नंबर भी आते हैं और आप मेहनत कर रहे हो, वेरी गुड। चलो अगले सवाल के लिए तैयार होते हैं हम लोग। अगला सवाल हम ये लेते हैं, प्रूफ बाय पीएमआई लिखा हुआ है, आप उसी तरह से फोकस करें, एक्स पावर में 2n माइनस वाई पावर में 2n इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। मैंने बोला था इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इससे फोकस करेंगे, तो चलिए गेट सेट रेडी। तो सबसे पहले फोकस क्या करना है, n की जगह क्या रखना है 1, तो पुट n इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा x पावर में 2 हो जाएगा, y पावर में 2 हो जाएगा, क्यों 2 1 2 2 1 2। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा है बच्चे, क्या पढ़ा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, दिस इज आइडेंटिटी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। अब हमें क्या कॉमन चाहिए, x प्लस वाई चाहिए, तो है कॉमन है ना, तो है तो बढ़िया हो गया, तो लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय कितना, बाय x प्लस 4, y x प्लस y, तो पहला रेडी हो गया,
अब बारी किसकी है, n के जगह पे k रखना। तो चलो रेडी करते हैं, पुट n इज इक्वल्स टू k। तो यहां पर 2n की जगह पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2k x पावर में 2k माइनस y पावर में 2k। अब आगे क्या करेंगे, तो मैंने सिखाया था अगर 4 का डिविजन लिखा रहे तो 4m, 3 का डिविजन लिखा रहे 3m, 3 का मल्टीपल लिखा रहे 3m, डिविजन मल्टीपल से फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे ये लिखा हुआ x plus y, तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, x plus y m लिख देंगे। यहां पे फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे, डरते हैं बच्चे यहां से m लिखने में, घबराते हैं। वेयर क्या, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला था, क्या बोला था बच्चे, इसको छोड़ करके बाकी सबको राइट साइड भेज देना। तो चलो ऐसे करेंगे, x पावर में 2k इक्वल्स टू सब पोस्टर भेजें, x प्लस y, यहाँ पे m तो पहले से था, अब ये माइनस वाला जब इधर आया तो क्या बनता है, प्लस हो जाता, तो y पावर में 2k। अच्छा अब मैंने बोला था इसके बाद ऐसा हो जाए तो इसके इक्वेशन 1 लेट कर लेना, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो क्या, अब क्या लिखने वाले हम लोग, पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1, यस। तो चलो रेडी, पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब यहां सावधानी थोड़ा रखना है, यहां से ही दिमाग लगाना है, x के पावर में 2 और k की जगह पे k प्लस 1, तो k प्लस 1। यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधा 2k प्लस 1 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, या k है तो k की जगह k प्लस 1 रखा। चलो ये ऐसे लिख दिया, माइनस y के पावर में 2 ब्रैकेट में k प्लस 1, क्योंकि k की जगह पे k प्लस 1 रखा। अच्छा ये जरा सा इसको और आगे सॉल्व करें, x पावर में क्या होगा, 2k प्लस 2 माइनस y पावर में 2k प्लस 2, फिर से वही प्रॉपर्टी, a पावर में m प्लस n इक्वल्स टू a पावर m डॉट a पावर n, आहा a पावर में n। जरा सा समझ, यहां पे आराम से करना है बच्चे, जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो खुबर कॉमन नहीं आएगा, आराम से करते हैं। तो चलो 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 इसको लिख दे, मैं लिख दूं x पावर में 2k डॉट x का स्क्वायर माइनस y पावर में 2k डॉट y का स्क्वायर। फायदा क्या, यस फायदा दिखा, ये जो चीज है इधर है लिखा हुआ, देखो आप टारगेट किया था ना हमने, मिल गया। तो फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1, फ्रॉम, अब आराम से करना है थोड़ा सा, यूजिंग इक्वेशन 1, अब इसको हटा देता हूं, इसको हटा करके क्या लिख दूं मैं आराम से थोड़ा सा, x प्लस y m प्लस y पावर में 2k। देखो ध्यान से, बाहर में x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट बंद करके थोड़ा और यहां x स्क्वायर लिख देते हैं, जगह की कमी ना पड़े जाए कहीं, माइनस यहां पहले से लिखा y पावर में 2k डॉट y का स्क्वायर, दिस इज y का स्क्वायर, ओके। अब मल्टीप्लाई करने की बारी है, यहां जगह यूज करता हूं, हो जाए भगवान करे जगह हो जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू x का स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस y m, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसा हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है ना, प्लस का साइन, ये हो जाएगा x y पावर में 2k, 2k डॉट x का स्क्वायर, डॉट x का स्क्वायर, और इधर क्या है, माइनस y पावर में 2k डॉट y का स्क्वायर, ये रहा। अब यहां पे x प्लस y कॉमन लेना, इसमें तो है x प्लस y, इसमें नहीं है, तो चलो वापस लिखते हैं इसको, x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट ना भी रखे तो चलेगा, इसको x स्क्वायर, ये जगह x प्लस y m प्लस, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, y पावर में 2k, y पावर में 2k कॉमन है ना, तो चलो y पावर में 2k कॉमन, तो ब्रैकेट में हुआ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर नथिंग बट x प्लस y, x माइनस y, तो अगले स्टेप लिखते हैं इसको, x स्क्वायर यहां से आराम से थोड़ा सा, x स्क्वायर x प्लस y m प्लस y पावर 2k, ये जगह x प्लस y और x माइनस y, x माइनस y आइडेंटिटी लगा दिया, कॉमन हमें चाहिए, क्या चाहिए, क्या कॉमन चाहिए, x प्लस y, तो आइए आजा भैया कॉमन, टिक 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 और टिक 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 टिक, x प्लस y कॉमन आ रहा है,
ध्यान से देखो, x प्लस वाई कॉमन आएगा, आगा आ गया, आ गया क्या बचा, एक्स स्क्वायर एम, एक्स स्क्वायर डॉट एम, इसमें क्या बच गया, y पावर 2 के ब्रैकेट में x माइनस y, ब्रैकेट बंद, तो आ गया बाहर, x प्लस वाई कॉमन आ गया, बाहर आ गया, हमें यही टारगेट चाहिए था, x प्लस वाई बाहर आ जाए, विच इज ऑल्सो, विच इज ऑल्सो ट्रू बाय PMI, और यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको आराम आराम से लिखना बच्चे, धीरे धीरे लिखना, समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो इसके साथ ही आज की मुलाकात यहीं पे करेंगे समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।